कल लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल्स, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या अपना फॉर्मूला आया था, डेल वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर या डेल आर भी लिख सकते हैं, ई डॉट डेल आर दोनों वेक्टर हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, डेल आर वेक्टर और डेल वी स्केलर क्वांटिटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या देखे थे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज करता है, राइट बेटे। कुछ प्रॉब्लम भी स्टार्ट कर दिए थे हम लोग, उससे आगे आप बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ई का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम, या दूसरा और लिमिट क्या होगा, न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ये फॉर्मूला है डेल बी इक्वल टू ई डॉट डेल आर, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसमें एक इक्वेटर ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी, इसका लेंथ 2 मीटर, साइड तीनों लेंथ 2 मीटर है, साइड Find the BA minus BB, then BB minus BC. Concept क्या है, First find the magnitude, और उसके बाद तब electric field का direction में देखिए potential बढ़ रहा है आगे, तब value decrease करेगा, opposite में होगा तो increase करेगा। तो AB यही point है ना मेरा बेटे, AB electric field का direction यही है, डेल आर का डायरेक्शन ये है, ठीक है। इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये हाँ 60, ये 60 इक्विलेटर था ना, हाँ इक्विलेटर, वो तो देख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल आर के बीच में एंगल कितना हो गया, अच्छा यहाँ से नीचे से भी कर सकते हैं ना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेलार नीचे से नहीं ऊपर से लें, बात बराबर मैग्नीट्यूड लेना है ना हमें, तो डेलार में तो सोचना ही नहीं है कि इधर से जाएं कि इधर से जाएं, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं। ऊपर से करें ए से बी, इधर इस डायरेक्शन में लें या इससे इधर लें, बात बराबर ही है। तो यहाँ पर ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये डेलार का डायरेक्शन हो गया ए बी सी, एंगल 60 डिग्री। यदि ऊपर से लेगो तब क्या हो जाएगा, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेगेटिव साइन, फिर भी पॉजिटिव लेना है 120 डिग्री, ये यहाँ तक 60, फिर 60 120, माइनस साइन आएगा तब भी हम लोग को चले। तो भी ए बी निकालना, तो पहले क्या किया हम लोग, डेल बी निकाले मैग्नीट्यूड, इसलिए मोर डाल दिए, ई डॉट डेल आर यही है, ई डॉट डेल आर, ई मैग्नीट्यूड डेल आर, एंगल कितना हो गया cos 60,
एंगल कितना हो गया cos 60, और cos 60 के वैल्यू sin 30 के बराबर, sin तो sin 30 1 by 2 होता है, तो cos 60 1 by 2, तो mod E mod del R into 1 by 2। अब E का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 10, del R कितना है 2, 1 by 2 उड़ गया, मैग्नीट्यूड कितना आया 10 वोल्ट, मैग्नीट्यूड निकल गया। आप ध्यान से देखें कि हमें पूछ क्या रहा, वी ए माइनस बी, वी ए माइनस बी यानी डेल बी, वी ए माइनस बी राइट। तो यहां पर हम देखें कि ए से वी ए, वी ए माइनस बी कहने का मतलब क्या हो जाता है, दिस इज योर फाइनल पॉइंट, हाँ दिस इज योर फाइनल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, यानी कहने का मतलब ए, ए फाइनल पॉइंट हो गया, बी इनिशियल, यानी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बी ए का वैल्यू कम होगा, बी ए का वैल्यू कम होगा, तो बी बी का वैल्यू ज़्यादा, यानी कम में से ज़्यादा सब्सट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव साइन, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 10 वोल्ट, माइनस 10 वोल्ट। यहाँ देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये साइन का टेंशन ही खत्म, साइन का टेंशन ही खत्म, नहीं तो मैक्सिमम यदि माइनस ई डॉट डी आर से करेंगे तो साइन का बहुत टाइम भी वेस्ट और साइन का समस्या भी रहेगा। एक प्रॉब्लम तो यहाँ से डन है, जेई मेंस का हो या नेट का हो, एक क्वेश्चन इसको कोई नहीं रोक सकता है, हर साल पूछते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद बी बी माइनस बी सी, इसको मिटा दूँ, हो गया बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अभी तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो हमें क्या निकालना है बी और सी के बीच में, ठीक है, तो किधर से भी जाएं, इधर से जाएं चाहे इधर से, हमको कोई से लेना देना है ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही डेल आर का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन दोनों सेम, कॉस जीरो वन हो जाएगा, पहले क्या हो गया ई डॉट डेल आर, इसको क्या लिखेंगे मॉड ए मॉड डेल आर, एंगल क्या हो गया कॉस जीरो डिग्री, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यही डेल आर का डायरेक्शन दोनों सेम, तो कॉस जीरो, कॉस जीरो वन, तो ये क्या लगे ई का वैल्यू 10, डेल का वैल्यू 2, 20 वोल्ट आ गया, 20 वोल्ट। अब जो निकालना है उस पर आ जाए फोकस करें, बी बी माइनस बी सी यानी दिस इज योर फाइनल पोटेंशियल, यानी ये फाइनल पॉइंट है, यानी सी से बी आ रहे हैं, सी से बी आ रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा सी से, यानी डिफरेंस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, व्हाट यू आर गेटिंग प्लस 20 वोल्ट, प्लस 20 वोल्ट। चलो इसको कंप्लीट कर लो बेटे, तो इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इसी तरह के प्रॉब्लम्स रहेंगे, आपका टू कॉपी जितने करा ले इतना कर लिए काफ़ी है, उसके बाद आपका उससे कर लेंगे हम लोग एलएन वाले से भी, आकाश से भी कर लेंगे। हो गया बेटे, बताऊँ मैं, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफॉर्म नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इनफॉर्म, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इनफॉर्म, अभी तक हम लोग इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, अब सेकेंड केस कंसिडर कर रहे हैं, वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इनफॉर्म, नॉट इनफॉर्म, करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, यू डू नॉट से क्या है किस तरह का डायरेक्शन है, कोई फिक्स है नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मेरा बेसिक फॉर्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, डेल बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल आर, यही बेसिक है, इस केस में एक का फॉर्मूला यूज हो रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनफॉर्म है,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फॉर्म नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट कंसीडर करते हैं जिसका कि लेंथ डी आर है, और इस डी आर लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगा। जहां भी नॉन इन्फॉर्म टाइप से रहेगा, वेरिएबल टाइप से रहता है, तो व्हाट यू आर डूइंग, एक स्मॉल एलिमेंटल पार्ट कंसिडर करते हैं और उसके लिए वो पैरामीटर को कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। सेम चीज यहाँ भी करेंगे, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, और इसके क्रॉस पोटेंशियल स्मॉल डी वी एलिमेंटल चेंज, वी कैन राइट डी वी इक्वल टू ई, तो कॉन्स्टेंट हो गया उस स्मॉल डी आर के लिए, तो ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी, और इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, डीवी को इंटीग्रेट कर देंगे, द माइनस ई डॉट डी आर, जहां आर दिया हो, आर वन से मान लो आर टू वैरी कर रहा है, पोटेंशियल बी वन से बी टू वैरी कर रहा है। ये हो गया जनरलाइज फॉर्मूला। ये इंटीग्रेट करेंगे तो इधर आ जाएगा वी टू माइनस वी वन, और वी कैन राइट डेल वी, ठीक है बेटे। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा तो व्हाट इज डी डेल वी माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट को नहीं बोलना है, ये ध्यान रखना है, ई डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट को यूज उसको इंटीग्रेट करने के बाद करेंगे, पहले ही इंटीग्रेट के अंदर ही करेंगे, हाँ, कहा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो बिना डॉट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, हाँ, तो पहले यहाँ मॉड मॉड ई मॉड टी आर कॉस जो एंगल होगा वो सब डाल लेंगे, क्योंकि डॉट का तो कोई इंटीग्रेशन पर है नहीं, मल्टीप्लाई ही रहेगा डॉट का तो कोई, तो इसीलिए डॉट को पहले हटाना होगा, एंगल दोनों के बीच में देख कर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए डॉट बी का फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो हम इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकाल लेंगे, क्या है यहाँ पर, यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवेन है तो बाय इंटीग्रेट करके पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। दूसरा इसी में केस देखें, यदि पोटेंशियल दिया हुआ है, इसको लिख लो तब आगे पढ़ता हूं, ये कब यूज करना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और वैरी कर रहा हो, ठीक है, तब ये देयर बी पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवेन है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका उल्टा सोचते हैं, पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ खास बात ध्यान रखना पड़ेगा, अभी बता रहा हूँ क्या ध्यान रखना पड़ेगा, पहले इसको कंप्लीट लिख लो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, गिवेन क्या है, पोटेंशियल, और कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अभी जैसे फॉर्मूला लिखे ना हम लोग, या मोस्टली टीचर भी ये गलती करते हैं कि शॉर्टकट के चक्कर में बच्चों को भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ करते हैं, अपना भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ करते हैं, क्या करेंगे, फॉर्मूला वो तो अभी जैसे डिराइव कर लिए ना हम लोग, माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, पोटेंशियल दिया हुआ है, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भूल जाते हैं, गलती क्यों हो जाती है कि इस डॉट प्रोडक्ट का वो ध्यान नहीं रखते, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर में डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं, इसीलिए सिंपली क्या लिख देते हैं, गलती करके
डीबी अपॉन डीआर कर देते हैं, क्योंकि वो क्या ध्यान में रहता है कि इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दो आर के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो ये कब करते, जब यहाँ ये मल्टीप्लाई में रहता तब तो ई डी आर रहता, ई डी आर रहता तो वी कैन डू डी बी अपॉन डी आर कैलकुलेट कर लो निकाल के, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। लेकिन यहाँ तो चकमा दे रहा है डॉट प्रोडक्ट। अच्छा सर, इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस, मान लीजिए कॉस थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा का वैल्यू लिख देंगे या फिर कॉस को साइन में इंटीग्रेट कर देंगे? नहीं नहीं, वो किस में है? हाँ वैल्यू, वैल्यू रखें, कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगा ना, वो तो वैल्यू 1/2 है, रूट 3/2 है, जो भी आ जाए वो तो वैल्यू कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, कॉन्स्टेंट तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फोकस लगाओ जो गलती होती है। पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मोस्टली टीचर भी क्या करते हैं बच्चे को शॉर्टकट बताने के चक्कर में करते हैं, भाई पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। भाई डायरेक्टली कैसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है ना, यहाँ ई डी आर लिखा इस तरह से रहता तब ना आप कर लेते, डॉट प्रोडक्ट नहीं रहता, तो वी कैन राइट हियर ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। लेकिन यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट है, तो वी कैनॉट राइट डायरेक्टली, डायरेक्टली हम इसको नहीं लेंगे, 100% ये गलती होता है, टीचर भी गलत बताते हैं, जब टीचर ही गलत बताएगा तो बच्चे भी गलत ही इम्प्लीमेंट होगा, राइट। तब क्या इसका सॉल्यूशन है बेटे, कैसे करेंगे? अब ये सारा मैथमेटिक्स का ही खेल है, फिजिक्स का खेल यहाँ पर नहीं रह गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सारा मैथ्स में ही पढ़ना है, तब जो भी खेल है मैथमेटिक्स का खेल है, फिजिक्स में यही है डी बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब क्या करेंगे, देखो डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ले लिया, वेक्टर है, दोनों वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ले लिया आई जे के फॉर्म में, ई एक्स आई, ई वाई जे, ई जेड के, ये सारा खेल मैं कर रहा हूं डॉट को हटाने के लिए, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं डॉट को हटाने के लिए, डॉट प्रोडक्ट को लिख करके ना 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 ना, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर दोनों वेक्टर, पहले दोनों को आईजे के फॉर्म में कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, काम खत्म। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे आईजे कंपोनेंट में लिख दिए, राइट, उसके बाद डीआर को चाहे आर, जैसे आर है, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं ना एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट यू कैन राइट डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे आप, वेक्टर ई और वेक्टर एस डी आर का डॉट प्रोडक्ट, आई आई वाला 1 हो जाएगा, आई जे वाला 0। व्हाट यू आर डूइंग, E और dr का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, जैसे डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ते हैं दो वेक्टर दिया हुआ, मान लो a इक्वल टू 2i प्लस 3j और b इक्वल टू दिया हुआ है 6i प्लस 5j, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, a डॉट b, दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो व्हाट यू कैन डू, क्या करेंगे, 2i को 6i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहां सेम रहेगा i इन i डॉट i क्या होता है 1, i डॉट i 1 होता है, तो ये क्या हुआ 2i डॉट 6i डॉट, क्या हो गया 2, पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो 12 और i डॉट i 1, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10, लेकिन i डॉट j आ जाएगा, i डॉट j 0, आई डॉट जे 0, तो ये तो 0 दे दिया, फिर चलो 3j डॉट 6i, जे डॉट आई डिफरेंट होने पर फिर अगेन 0, तो ये भी 0, ये फिर सेम रहेगा तो 15 जे डॉट जे 1, देखो खत्म हो गया डॉट प्रोडक्ट का कहानी, 12 प्लस 15 कर दो, ए डॉट बी निकल गया,
तो सेम चीज यहां भी करेंगे, ई डॉट डी आर ई डॉट डी आर यहां ध्यान से देखो, ई एक्स डी एक्स आई डॉट आई वन यहां लिख देंगे ई एक्स डी एक्स, ठीक। बाकी में पी जीरो जीरो, फिर सेकंड वाला चले ई वाई एक्स जीरो ई वाई ये आ जाएगा ई वाई डी वाई, फिर जेड वाला चले ये डिफरेंट जीरो आई डॉट जे के, फिर के डॉट जे डिफरेंट जीरो, फिर ये दोनों सेम तो सिंपली मल्टीप्लाई ई जेड डी जेड, सारा डॉट का कहानी खत्म कर दिया हम लोग। और ये क्या है इधर में, ये एक्चुअल फॉर्मूला किधर गया किधर गया, हाँ डी वी, वी कैन राइट डी वी इक्वल टू माइनस साइन लगा देते हैं, ये क्या आ गया ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई ई जेड डी जेड, आगे डॉट प्रोडक्ट खत्म। अच्छा अब यहाँ पे क्या देखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का तीनों कंपोनेंट है हमें ये दैट इज गिवन, वी इज गिवन, तो हम एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं, वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट निकालेंगे। यहाँ पर तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, जब तीन वेरिएबल होता है तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, पार्शियल वेरिएबल, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल होने पर, एक से ज़्यादा डिफरेंशिएशन तुम लोग पढ़ते हो सिंगल वेरिएबल के लिए, दो वेरिएबल आ जाएगा तो पार्शियल, एक को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है थ्री वेरिएबल है, तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, कहने का मतलब इसको मैं बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वही तो गलत रास्ता नहीं अपनाना है, सीधा डीवी को इंटीग्रेट ना ना वही वो कैसे कर दीजिएगा इंटीग्रेट, लिमिट देखो कुछ भी कीजिए, डॉट प्रोडक्ट कैसे हटेगा, कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस डिफरेंशिएशन करना, फिर डिनोमिनेटर में आएगा कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, हमें ई निकालना है ना, डॉट डी आर है ना, तो उसको ई डी आर कॉस थीटा डी वी, ये देखो 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 समस्या क्या आएगी, ये देखो सारी समस्या देखो क्या आएगी, इतना आसानी रहता तो ये कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप होता, मॉडी मॉडी आर कॉस थीटा, ठीक। आप क्या करते ये निकालना है मॉडी डेल बी अपॉन डी आर, यानी डी बी है ना, डी बी अपॉन डी आर वो नहीं करते कॉस थीटा, नहीं नहीं वो नहीं करने बोल रहे, हाँ अब बोल रहे डी बी को लिमिट दे के उसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए, और ई क्योंकि कांस्टेंट है तो नहीं, अरे बेटे वो नहीं हो सकता है ना, वो क्या है जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तब इंटीग्रेशन कर सकते हैं भी निकालने के लिए, पहला केस था वो इंटीग्रेशन कब यूज करना है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एंड फाइंड द पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तब इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकालेंगे, अब क्या है उल्टा पोटेंशियल इज गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होगा डिफरेंशिएशन, पोटेंशियल दिया हुआ है उसको डीवी भी लिखो, क्या क्या बोलते पोटेंशियल दिया हुआ है पोटेंशियल कांस्टेंट तो वो कर देंगे ना डिफरेंशिएट, भी दिया है डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर समस्या क्या है डायरेक्ट डीवी अपॉन डी आर क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट का क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो वही सारे डॉट का हटाने का काम कंप्लीट कर दिए। अब देखिएगा इसका फायदा क्या है, अभी जो आप डिफरेंस आप जब प्रॉब्लम कीजिएगा तब इस कॉन्सेप्ट का पता चलेगा, तो हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा पार्ट, हाँ यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक से ज्यादा वेरिएबल हो गया, पोटेंशियल जो होगा एक से ज्यादा दिया रहेगा, जैसे मान लो पोटेंशियल आपको इस तरह से दे दे एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड मोड है, यहाँ थ्री वेरिएबल्स चाहे एक्स स्क्वायर दो ये लीजिए दो वेरिएबल क्या कीजिएगा, तो जब दो पर एक से ज्यादा वेरिएबल होता है
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि y को पहला केस लेते हैं, y को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और x को वेरिएबल। पहला चीज क्या किए, y को कांस्टेंट एज्यूम करके x को वेरिएबल लेते हैं और इसको आप क्या डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं, पार्शियल यानी आधा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इसका कैसे करें डिफरेंशिएशन, तो क्या लिए हैं y कांस्टेंट, y कांस्टेंट, x वेरिएबल है ठीक, तो db ऑफ जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, db अपॉन dx। और लिखते कैसे हैं इसको, इस तरह से सिंपल डिफरेंशिएशन है क्योंकि यहां मोर देन वन वेरिएबल है, डेल डेल डे बाई अपॉन डे डे एक्स, इस तरह से लिखने का पैटर्न ये इंडिकेट करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का राइट। अब दो टर्म का मल्टीप्लाई है यू इंटू भी, तो क्या करेंगे पहला टर्म का डिफरेंशिएशन एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, दूसरा तो मल्टीप्लाई प्लस आप क्या करेंगे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन वाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो लिए ना वाई कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो। तो जब हम वाई को कांस्टेंट रख के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया टू एक्स वाई ठीक है। अब दूसरा क्या केस अज्यूम करेंगे, ये क्या निकला डेल बी अपॉन डेल एक्स, वेरिएबल तो वाई भी है, अब दूसरा क्या रखेंगे एक्स कांस्टेंट वाई वेरिएबल, दो वेरिएबल है ना, तो अब दूसरा केस एक्स को कांस्टेंट और वाई को वेरिएबल, वाई को वेरिएबल, तो लेफ्ट हैंड साइड में अब क्या हो जाएगा y वेरिएबल है डेल v अपॉन डेल y लिखेंगे। अब चलो यहां पर आप क्या रखें x को कांस्टेंट और ये वेरिएबल, ये u इनटू v के फॉर्म में डॉट नहीं मल्टीप्लाई समझिएगा ठीक, तो ये क्या फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, u को फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं v को सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट में हम लोग कैसे करते हैं फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन into multiply of second function ठीक, plus first function come first function into differentiation of second function, ये general formula हो गया differentiation of second function, ये differentiation का rule है, दो variable दो quantity जब multiply होंगे क्या करेंगे पहला function को differentiate दूसरा को multiply plus फिर पहला को रखेंगे एज इट इज दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे जैसे इस यहाँ पर भी किया। अब क्या है x कांस्टेंट है पहला फंक्शन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो तो पहला वाला तो ये जीरो हो गया काम खत्म, प्लस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन एक है वाई का पावर वन तो क्या हो जाएगा वन तो इंटू वन ये क्या वैल्यू दे दिया एक्स स्क्वायर। तो एक से ज्यादा जब वेरिएबल रहता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक को वेरिएबल मानेंगे बाकी को कांस्टेंट, यदि ये तीन रहता है तो दो को कांस्टेंट एक को वेरिएबल मानेंगे, जैसे मान लो ये जेड स्क्वायर यहाँ रहा तीन वेरिएबल आ गया तो वाई जेड को कांस्टेंट एक्स को वेरिएबल ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट अब यहाँ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्री कंपोनेंट्स है एक्स कंपोनेंट भी है वाई कंपोनेंट भी है जेड कंपोनेंट भी है ठीक है। तो आप कैसे हम लोग लिखेंगे तो व्हाट इज द ई एक्स, ई एक्स क्या हो जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन डेल बी अपॉन डेल एक्स, एक्स को वेरिएबल रखे बाकी को कांस्टेंट, बाकी को तो एक्स कंपोनेंट निकालना होगा तो जो पोटेंशियल दिया होगा उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसी तरह से वाई कंपोनेंट जब निकालना होगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे,
पाई वेरिएबल रहेगा। जेड इजेड निकालना होगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल वी अपॉन डेल जेड, जेड को अब यहां मल्टीप्लाई है ना तो इसको इधर भेजेगा तो डेल डीवी अपॉन डीएक्स आ जाएगा। अलग ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट, तो इस तरह से हम ई एक्स ई वाई ई जेड निकालेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे, 100% गलती। और टीचर सिंपली बता देता है कि डिफरेंशिएट कर दो आर के रिस्पेक्ट में काम, माइनस साइन लगा देना, लेकिन दैट इज रॉन्ग अप्रोच। तो फॉर्मूला फाइनली क्या हो गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपका पोटेंशियल दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा, ई एक्स इक्वल टू बी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, वाई कंपोनेंट निकालने के लिए बी को वाई के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन को ध्यान रखना है ये भूलना नहीं है, जेड कंपोनेंट को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई एक्स आई कैप ई वाई जेड कैप ई जेड के कैप, इस तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये वैल्यू निकाल कर सारा वहां रख देंगे। जब मैग्नीट्यूड पूछेगा मॉड ई तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड दे देगा। तो ये दिमाग में सेट करना है, शॉर्टकट टेक्निक टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट, इसको चलो लिख लो बेटा, तब एक प्रॉब्लम करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसको जाके फिर दोबारा देखिएगा, तब भी डाउट आता है अगेन टुमारो भी आसान। तो मैथमेटिक्स वाला प्रॉब्लम आप लोगों को दिक्कत होता है, आई नो वेरी वेल, कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके, इसीलिए कहता हूँ उसको बार बार देख के वहाँ भी जहाँ भी डाउट्स आ रहे हैं अगेन क्लियर। पार्शियल डिफरेंशिएशन एक से ज्यादा वेरिएबल हो गया ना, इसीलिए जब एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। हाँ, पार्शियल, जैसे वहाँ एक्स और टी का दो वेरिएबल का दिया रहेगा, एक्स वाई कुछ भी तो एक से ज्यादा है, पार्शियल पढ़ना है वो एक तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ही आपका पोटेंशियल दिया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो ई एक्स कॉम्पोनेंट माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ई वाई कॉम्पोनेंट माइनस ई वाई अपॉन डेल वाई, और जेड कॉम्पोनेंट माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, इस तरह से हम लोग निकालेंगे, माइनस साइन को बोलना नहीं है। हो गया बेटे, अब एक दो बहुत छोटे से प्रॉब्लम से पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे क्या है, ये सारे क्यों पढ़े कि पोटेंशियल गिवन है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पोटेंशियल दिया हुआ है 5xi कैप 6yj कैप प्लस 8zk कैप, लाइक दैट, ठीक है। कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट
1, 0, 1 and also magnitude and also magnitude of electric field. Magnitude of electric field. ठीक है, पोटेंशियल दिया हुआ है, तीन वेरिएबल्स है, तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, Ex इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, Ey इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई, Ez इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड, Ex इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, Ey इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई, Ez मीन्स तो जब x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो yz कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो xz कांस्टेंट, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो xy कांस्टेंट, वो नीचे लिखने का मतलब ये कांस्टेंट है। ठीक है बेटे, चलें तो चालू करें, ex कंपोनेंट माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, जो भी दिया हुआ उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और yz को कांस्टेंट रखना है, yz को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, ये पहले माइनस रख दिए, यानी इसको डिफरेंशिएट करना किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो पहला i वाला को लेके चले, x के रेस्पेक्ट 5x है तो x का 1 हो जाएगा, तो 5i लिख दी। ठीक है, उसके बाद नहीं, ये एक मिनट रुक जाना, ये i नहीं दिया हुआ, ये i को मिटा देना सिंपली, क्योंकि वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी है ना, यहाँ i j k नहीं दे सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है ना, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो i j k लिखने का कोई वहाँ उचित ही नहीं है, इसीलिए IJ का कोई यहाँ रोल ही नहीं है पोटेंशियल में। ठीक है, चले तो B को हमको x के रिस्पेक्ट में ex कंपोनेंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना है, ये लिखे, ये माइनस यहाँ बच्चे छोड़ते हैं, यही ध्यान देना है। चलो 5x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 5 लिख दिए, y कांस्टेंट 0, z कांस्टेंट 0, वैल्यू क्या आ गया -5। उसी तरह से ey कंपोनेंट डेल v अपॉन डेल y, यानी y के रिस्पेक्ट में अब करना है, x और z कांस्टेंट, पहले माइनस साइन, चलो x कांस्टेंट 0, y z -6, z कांस्टेंट 0, वैल्यू क्या आ गया +6, वैल्यू क्या आ गया +6। उसके बाद ez माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड, माइनस साइन, अब क्या है जेड के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स कांस्टेंट 0, वाई कांस्टेंट 0, ये क्या आ गया 8, -8 आ गया। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं यहां से, E इक्वल टू क्या हो गया -5i +6j -8k, x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट निकाल के यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, डायरेक्शन दे दिए, यहां पे अब एट द पॉइंट 1, 0, 1 कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ कुछ वेरिएबल रहता तब ना x y कुछ बचता तब ना इसको यूज करते उस पॉइंट पर निकालने के लिए, एवरी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यही रहेगा, उसको वो जो पॉइंट दिया रहता है उसको हमेशा फाइनल पे यूज किया जाता है, फाइनल के नहीं चाहिए, मतलब आंसर निकालने के बाद अगर वो जब यहाँ वेरिएबल रहता तब ना एक्स और वाई जेड का वैल्यू रखते हैं, जब वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है
इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर यही रहेगा, जैसे वहां पर आता माइनस फाइव एक्स आता, यदि एक्स स्क्वायर में लिख देता, यदि इसको फाइव एक्स स्क्वायर गिवन देता तो कितना हो जाता डिफरेंशिएशन 10x, तब उसको यूज वहां करते। लेकिन कोई को वेरिएबल नहीं है तो उसका कोई यूज यहां पर नहीं है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मॉड ई इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 प्लस 36 प्लस 64, ऐड करके निकाल देंगे सर, काम खत्म। तो इसी तरह के क्वेश्चंस सिंपल दिया रहेगा जब वेरिएबल रहेगा। यही ध्यान रखना है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसमें नहीं करेंगे, एक्स वाई जेड निकाल कर उसके वेक्टर फॉर्म में इसको लिख देंगे। आज यहीं पर रहने लेते हैं, ठीक है।